तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक फॉर ऑल। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि गूगल की सर्च हिस्ट्री आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे क्रोम की सर्च हिस्ट्री आप देख सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, उसी तरह गूगल की भी एक अपनी सर्च हिस्ट्री है। वहाँ आप जो भी गूगल पर सर्च किए हैं वो वहाँ पर शो हो जाएगा और उसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सर्च हिस्ट्री आप कैसे चेक कर सकते हैं, देख कैसे सकते हैं उसको, और इस वीडियो में मैं आपको सर्च हिस्ट्री डिलीट करके बताऊंगा। तो यहाँ पे सिंपली google.com आपको डाल देना है, और यहाँ पे ये देख लीजिए नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देख लीजिए जो भी सर्च किए हैं उसकी सर्च हिस्ट्री यहाँ पर दिख जाएगी आपको। ये देख लीजिए जो भी आप सर्च किए हैं वो सारा सर्च हिस्ट्री यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब मैं बताने वाला हूँ इसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आ जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद ये देख लीजिए योर डाटा इन सर्च, इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप ऑल सर्च हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो एक ही बार में कर सकते हैं, और कुछ घंटों का डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए डिलीट लास्ट आवर पे आप क्लिक करेंगे तो अभी कुछ घंटों का जो हिस्ट्री है आज का वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप हम सारे हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं हमेशा के लिए तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये देख लीजिए डिलीट है, इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी सर्च हिस्ट्री है सारे डिलीट हो गए होंगे। अब मैं चल के बताता हूँ यहाँ से। तो ये देख लीजिए सर्च हिस्ट्री पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हिस्ट्री डिलीट हुआ या नहीं। ये देख लीजिए सारे सर्च हिस्ट्री यहाँ से क्लीन हो चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम सर्च कर देता हूँ, तो देख लीजिए दोबारा से यहाँ पर सर्च हिस्ट्री यहाँ पर सेव हो गया। तो ये देख लीजिए अभी चेक करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये आ चुका है इंस्टाग्राम जो आज मैंने सर्च किया है। तो फ्रेंड, ये सर्च हिस्ट्री चेक करने से पहले आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी देख लेना है, आपका जो जीमेल है वो लॉगिन होना चाहिए, और उस जीमेल से जो भी सर्च किए होंगे वो शो होगा, और दूसरे जीमेल से आपने जो सर्च किया होगा वो उसी जीमेल पे शो होगा, इस जीमेल पे नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईडी लॉगिन होना चाहिए, चाहे ब्राउज़र कोई सा भी रहे। तो इस तरह से आप गूगल की सर्च हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, यही सिखाने वाला था आज की वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। तो आज के लिए बस।